दोपहर के 1 बजने का है और ये वक्त है आपके फेवरेट शो बारह राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ। बांग्लादेश में हुई हिंसा के दौरान हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में आज राजधानी जयपुर के बाजार आधे दिन यानी कि 12 बजे तक बंद रहे हैं। जयपुर व्यापार महासंघ ने बाजार बंद का ऐलान किया था, तो वहीं सर्व हिंदू समाज की ओर से रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया जा रहा है और रैली अब आगे बढ़ चुकी है। विष्णु हमारे संवाददाता खुद रैली में मौजूद है। यहां पर देखिए तमाम जो लोग हैं बैनर पोस्टर लिए हाथों में मौजूद है, सीधे विष्णु का रुख करते हैं। प्रमुख संत समाज भी है, शहर के कई नामचीन हस्तियां भी वहां पर पहुंची हुई हैं। विष्णु तस्वीरों के जरिए दिखाइए क्या संदेश देने की कोशिश इस रैली के जरिए की गई है। देखिए एक बार ये रैली जो है आक्रोश रैली वो जयपुर शहर के परकोट के बाजार से निकलते हुए अब न्यू गेट पर पहुंची। यहाँ पर एक बार फिर से रैली रामलीला मैदान तक पहुंचेगी और मेरे पीछे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा जो दृश्य है। सैकड़ों हजारों की संख्या में शहर के लोग इस वक्त इस रैली में आक्रोश रैली में यहाँ पर लोग आए हैं। बीजेपी के लोगों के साथ में यहाँ पर आक्रोश रैली की जो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, मैसेज ये कही दिए जरा की बांग्लादेश में जो हिंदू है वो हिंदुओं के साथ में पूरा देश खड़ा है, पूरा हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में खड़ा हुआ है। रामलीला मैदान में सबसे पहले एक सभा हुई थी, सभा के बाद में रैली और रैली परकोटे के बाजारों में जौहरी बाजार मोलिया बाजार बड़ी चौपड़ से होते हुए अलग अलग बाजारों से गुजरे। उसके बाद रैली यहाँ पर संत समाज है वो लोग मौजूद है। क्या मैसेज देना चाहूंगे भाई? महामंडलेश्वर मनोहर दास जयपुर राजस्थान से। हिंदू जग गया है, हिंदू जग गया है और अब जैसे भी अत्याचार हो रहे हैं वो अब सहन नहीं हो पाएगा। पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदू जग गया है और जो आतताई लोग हैं उनका निश्चित रूप से राश होना पक्का तय हो गया है। तो विनाश की बात की जा रही है, हिंदुओं के होने की बात की जा रही है, महाराज क्या संदेश दिए आप संत? देखिए हम तो ये कहते हैं कि हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं को भी एक हो जाना चाहिए और अलग देश की मांग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान टूट के हमने बनाया है तो हम एक और हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। ये सभी हिंदू कह रहे हैं और पुरजोर समर्थन है हमारा भारत के हिंदुओं का कि ये हिंदू राष्ट्र नया बनना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग बांग्लादेश में हो रही है, क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? वहाँ पर भारत सरकार को स्टैंड लेते हुए जो हिंदू बहुल क्षेत्र है उनको अपने अधीन कर लेना चाहिए। तो हिंदू बहुल की बात की जा रही है, देखिए गले में जो है वो तख्ती लगाए हुए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान की बात कही जा रही है। कहाँ से आए हो, क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं कुकत जयपुर राजस्थान से आया हूँ और हमारा यही मैसेज है हिंदू अब नहीं सहेगा बिल्कुल भी अत्याचार। जैसे वो बांग्लादेशियों को मार रहे यहाँ से भी बांग्लादेशी भगाओ, भारत को बांग्लादेशी को मुक्त कर देना चाहिए, यहीं पे उनकी गोलियां मारो। वापस से जो आक्रोश रैली है वो इस वक्त देखिए ये रामलीला मैदान में पहुंची है। रामलीला मैदान में वापस से संत समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। लोगों में मैसेज खड़ा यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे सर? क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको हम उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब हिंदू जाग चुका है और ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं पूरे विश्व में जो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है हम ये कहना चाहते हैं हिंदू ना कभी सोया था ना कभी सोएगा, बस दगाओ मत। राजस्थान में भी जो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या वैद्य घुसपैठिए घुसे हुए हैं इनको भी गोली मार मार के बाहर निकालना चाहिए। भारत माता की जय। रैली परकोटे के बाजारों से होते हुए त्रिपोलिया बाजार जौहरी बाजार से होते हुए अब ये वापस से रैली रामलीला में मैदान में पहुंची है। यहाँ पर ये रैली अब लगभग संपन्न हो गई है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ, ये न्यू गेट का इलाका है, पीछे की तरफ रामलीला मैदान है और यहाँ पर ये रैली करीब 1 घंटे के बाद में करीब परकोटे के जौहरी बाजार सांगानेरी गेट त्रिपोलिया बाजार चौड़ा रास्ता से होकर के न्यू गेट पहुंची। यहाँ पर रामलीला मैदान में ये रैली संपन्न हुई है सैकड़ों संख्या में। हाँ बताओ, हम भारत के हिंदू बांग्लादेश के मुसलमानों को जो अत्याचार कर रहे हैं हमारे हिंदुओं भाइयों के प्रति उनके प्रति ये आक्रोश रैली है, बहुत सफल रैली रही है। 6 किलोमीटर की रैली तो 12 किलोमीटर तब्दील हो गई धीरे धीरे डबल डबल चलते हुए और विशाल जनसमूह आप देख ही रहे हैं। विशाल जनसमूह की बात यहाँ पर कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं साथी से कहूँगा कि देखिए लोगों में आक्रोश इस रैली में देखने को मिला है, काफ़ी लोग यहाँ पर थे। क्या कहना चाहोगे सर?
जो जो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में आज रैली निकाली गई थी। मैं जयपुर व्यापार अध्यक्ष होने के नाते हमने इसका पूर्ण समर्थन किया और जयपुर के 130 व्यापार मंडल ने इसका समर्थन किया और भारी तादाद में व्यापारी आज यहाँ पहुंचे हैं। कुछ दुकानें बंद रही है? नहीं, दुकानें बंद का नहीं रहा ऐसा कुछ, लेकिन एक दुकान से एक एक दो दो आदमी समर्थन के तौर पर यहाँ पर वो आए हैं। भारी तादाद में दुकानदार पहुंचे हैं, क्योंकि अगर इस तरह का कोई माहौल बिगड़ता है चाहे जयपुर हो चाहे राजस्थान में कहीं पे भी, तो सबसे पहले व्यापारी को संबोधन जो है लगभग यहाँ पर अंदर की तरफ होगा, चूंकि रैली कुछ ही देर पहले इस रामलीला मैदान में यहाँ पर पहुंची है। ये अंदर की तरफ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, संबोधन यहाँ पर होगा। चूंकि जो कई सारे जो एमएलए हैं बीजेपी के शहर के गणमान्य नागरिक संत समाज के लोग हैं वो इस रैली में यहाँ पर पहुंचे हैं, इसलिए संबोधित लगभग एक ही बात पर किया जा रहा है। पहले भी संबोधन यहाँ पर हुआ था, उस संबोधन में कहा गया था कि नेता की मौजूदगी देखने को मिल रही है, अकेला न समझे हिंदुओं के साथ लोग हैं। जी जी, क्या कोई राजनीतिक चेहरा भी यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रैली जो है लगभग यहाँ पर अब संपन्न हो चुकी है। करीब दो घंटे पहले ये रैली इसी रामलीला मैदान से चली थी, यहाँ सभा हुई थी, सभा में संत समाज ने संबोधित किया गया था, हिंदुओं के एकजुट होने की बात यहाँ पर की गई थी, साथ में बांग्लादेश पे जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर उसका विरोध यहाँ पर किया गया था। संघ के जो क्षेत्रीय संघ चालक है रमेश अग्रवाल, वे हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ये जो हिंदुओं पर बांग्लादेश में जिस प्रकार का विभत्स अत्याचार हुआ है, उनकी हत्याएं हुई है, उनकी संपत्तियों को जलाया गया है, यह जो लक्षित हिंदुओं को टारगेट करके हो रहा है, यह आज जयपुर में यह हिंदू समाज के द्वारा हुई आक्रोश की रैली यह संदेश देती है कि विश्व में कहीं पर भी हिंदुओं के प्रति अत्याचार होगा तो हिंदू यह सहन नहीं करेगा। भारत सरकार से कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा की जाए किसी भी हालत में। बिल्कुल, देखिए घुसपैठों की बात की जा रही है, घुसपैठों को बाहर किया जाए, जो भी रोहिंग्या है उनको बाहर बात करने की बात करिए, आप सरकार से क्या मांग करेंगे घुसपैठों को लेकर? घुसपैठिया हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, बांग्लादेशी बड़ी संख्या में हमारे देश में आ चुके हैं और हमारी तो मांग प्रारंभ से ही है कि इन घुसपैठियों को, जिहादियों को, इस प्रकार का मानसिकता रखने वाले लोगों को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में हिंदू पर इस प्रकार का कोई भी अत्याचार होगा, हिंदू इसी तरह से एकजुट होकर खड़ा होगा। धर्म जागरण विभाग से है, धर्म जागरण क्या कहना चाहेंगे? हिंदू जागरण मंच से सिर्फ एक ही है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू भाई रह रहे हैं उनकी सुरक्षा रहनी चाहिए। सरकार को कोई कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को मैसेज देना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे सरकार से? हाँ, सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव देना चाहिए और हमारे हिंदू समाज की सुरक्षा होनी चाहिए, यही हमारा पहली मांग है। दूसरी मांग हमारी यह है, हमें चाहते हैं कि जो यहाँ पे विदेशी आके बस गए हैं, जो अतिक्रमण कर रहे हैं हमारी भूमि पर सब जगह पर, उनको तुरंत देश से बाहर निकाला जाए। देश से बाहर करने की मांग सभी बाहरी लोगों को की जा रही है, कई मांगे कई सारी है लेकिन आक्रोश आज यहाँ पर काफी था, देख सकते हैं वापस से ये आक्रोश रैली अब यहाँ पर संपन्न हो गई रामलीला मैदान में संपन्न होने के साथ ही अब यहाँ पर ये जो लोग हैं वो अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान यहाँ पर कर चुके हैं। लोग यहाँ से घरों से के लिए लौटने यहाँ पर लगे, लेकिन नारेबाजी का जो दौर है वो यहाँ संभव पर जारी है। महिलाएं भी हमें दिख रही हैं, काफी संख्या में यूथ है, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। महिलाओं से बात करेंगे, ये महिलाएं बच्चे यहाँ पर काफी है, महिलाएं यहाँ पर काफी है। भाई आप, मैडम आप यहाँ पर है, क्या मैसेज दोगी आज? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जहाँ भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हिंदू इस तरह एकत्रित होकर जागेगा और इन अत्याचारों का भूख ही खानी पड़ेगी। बांग्लादेशियों को भारत निकालिए, भारत में रहना होगा तो भारत माता कहना होगा। महिलाओं पे अत्याचार, संगठन हो, व्यापारी संगठन, संत समाज, तमाम महिलाएं, युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो साफ तौर पर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और ये संदेश की पूरे विश्व में हिंदू समाज एकजुट है और हो रहे अत्याचार पर लगातार अपना विरोध दर्ज कराता रहेगा। उधर आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ उदयपुर में भी संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई है। टाउन हॉल में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, रैली में साधु और संत भी शामिल हुए, आप देख सकते हैं बड़ा जमावड़ा, हजारों की संख्या में लोग इस रैली का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। यह आक्रोश है
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उदयपुर की तस्वीरें, जयपुर हो या फिर उदयपुर, संत समाज हिंदू संगठन के तमाम लोग सड़कों पर उतर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में राजसमंद जिले में सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर दोपहर तक बाजार बंद रखे गए। शहरवासियों व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया। दोपहर को ज्ञापन सौंपने के बाद बाजार खोल दिए गए। काकरोली और नाथद्वारा में सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर सुबह से ही शहर के विभिन्न व्यापार मंडलों ने स्वैच्छिक बंद रखा था। हिंदू समाज की आक्रोश रैली मुखर्जी चौराहे से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर महंत बिहारी दास और सर्व हिंदू समाज की अगुवाई में कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित हो, जल्दी से जल्दी निर्णय ले, ताकि यह देश सुरक्षित हो। यह अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं है। हमने अभी कई वर्ष पहले पूर्व देखा, कश्मीर में जो अत्याचार हुआ, आज भी लोग पीड़ित हैं, वह सुरक्षित नहीं है। आज ये ज्ञापन जो हमारे हिंदू भाई है, बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, तो सत्ता पलट होना या सरकार बदलने, अपने अपने देश में अपनी अपनी व्यवस्था है, भी होता है, मगर जहाँ भी जो व्यक्ति रहता है उसके हित का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। और वहाँ जो हिंदू भाई हमारे रह रहे हैं, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, इसलिए आज आम जन सभी समाज के साथ हिंदुत्व के नाते हिंदू भाइयों के ये ज्ञापन दिया है और आगाह किया है सारे हिंदुओं में। बांग्लादेश में जो निशंस हत्याएं हो रही हैं, जो अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, जो दानवीय प्रवृत्ति से लोग मनुष्य मनुष्य को शिकार बनाता जा रहा है, जो कहें कि इतनी दानवीयता हावी हो गई है कि महिलाओं की क्या स्थिति हो गई है, वो किसी को नहीं। वही बात करते हैं आज और एक महत्वपूर्ण खबर की जो आई है जयपुर से। दरअसल कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हत्या के मामले में लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। अब सीनियर रेजिडेंट्स ने भी कार्य बहिष्कार कर दिया है। सेवारत चिकित्सक आज काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई दिनों से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर कई शहरों में गए हुए हैं। इसके साथ साथ अब ये खबर मिल रही है कि जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यानी सेवारत चिकित्सक आज काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। इन सबके बीच में चिकित्सा व्यवस्थाओं पर भी इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। कोलकाता में जो बुरी तरह से निर्मम हत्या की गई, दुष्कर्म किया गया रेजिडेंट डॉक्टर्स के खिलाफ, उस बर्बरता के खिलाफ एकजुट है डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर्स देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां पर देखिए पहले से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स तो हड़ताल पर थे ही, कार्य बहिष्कार पर थे ही, अब सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी उन्हें समर्थन मिल गया है। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मार्बल सिटी हॉस्पिटल के बाहर एटीएम में लूटपाट की घटना सामने आई है। एचडीएफसी बैंक के एटीएम में लूटपाट की वारदात हुई। कार में सवार होकर बदमाश आए थे, मशीन को काट कर घटना को अंजाम दिया गया। पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरों को तक तोड़ दिया गया। सूचना पर गांधीनगर थाना मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द चोरों तक पहुंचा जा सके। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मार्बल सिटी हॉस्पिटल के बाहर जो एटीएम लगा है वहां पर लूटपाट हुई है। एचडीएफसी बैंक का ये एटीएम है जिसपे लूटपाट हुई। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर बदमाश आए थे, मशीन को काटा और फिर जितने भी रुपए इस एटीएम में रखे गए थे उसे लेकर फरार हो गए। पहचान छिपाने के लिए सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला। हालांकि अब गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई, जहां पर सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आसपास वहां पर लगे हुए हैं उन्हें फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश तेज कर दी गई है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आईआईटी के प्रोफेसर से करीब 12 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट कर ये फ्रॉड किया है। मोबाइल और लैपटॉप ऑनलाइन कब्जे में लिए गए, चेकबुक के जरिए करीब 12 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए। करवर थाने में अब जाकर ये केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर, इस तरह की लगातार आप खबरें सुन रहे होंगे, डिजिटल अरेस्ट कर बदमाश फ्रॉड करते हैं। और ऐसी एक और खबर आई है, 12 लाख की ठगी हुई है। आईआईटी के प्रोफेसर के साथ करीब 12 लाख की ठगी हुई। जोधपुर की खबर है, जहां पर बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया, फ्रॉड किया,
मोबाइल लैपटॉप ऑनलाइन कब्जे में ले लिया और उसके बाद चेकबुक के जरिए करीब 12 लाख रुपए खुद के अकाउंट पर ट्रांसफर करवा लिए। करवर थाने ने फिलहाल अब केस दर्ज करते हुए जांच पड़ताल तेज कर ली है। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बगरू इलाके में ग्रामीणों ने दो बदमाशों को घेर कर बंधक बना लिया है। बदमाशों को छुड़ाने की सूचना पर पहुंची बगरू पुलिस के सामने ग्रामीण इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलने पर मौके पर डीसी भी पहुंचे। इसके साथ साथ खबर यह कि वेस्ट जिले के 7 अफसर भी पहुंचे हुए हैं। देर रात तक डीसीपी अमित कुमार की तरफ से समझाइश की गई और उसके बाद ग्रामीणों ने बंधक बने बदमाशों को पुलिस के हवाले किया है। दरअसल बदमाशों ने पहले विश्वकर्मा थाना इलाके से बीती शाम को ट्रक लूटा। लूटे हुए ट्रक से बगरू इलाके में खरीद के बहाने 80 भेड़ बकरी भरकर बदमाश भाग निकले। सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हुए, लुटेरों के दो सहयोगियों को पकड़ लिया। वेस्ट जिले की पुलिस ने एक तरफ बंधक बने बदमाशों को मुक्त कराया तो दूसरी तरफ नाकेबंदी कर लूटे गए ट्रक को भी पीछा करके पकड़ लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल के बयान पर अब कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा का बयान आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को बांटने की राजनीति करती है। जाति धर्म वर्ग के नाम पर केंद्रित है बीजेपी की राजनीति। साथ ही कहा कि कांग्रेस सभी धर्म और जाति को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की योजनाओं को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये आरोप भी लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। इसके साथ ईआरसीपी पर भी कांग्रेस ने कहा कि ईआरसीपी सहित तमाम कई मामलों पर राज्य सरकार की नीति स्पष्ट ही नहीं है। जी को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। आज जो भारत है, अखंड और समृद्ध भारत है, वो केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं की वजह से है, कांग्रेस पार्टी की वजह से है। इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राणों की बलि दे दी, राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन देश को एक रखा, देश को खंडित नहीं होने दिया और समृद्धता के लिए, हर गरीब के लिए जो योजनाएं चलाई कांग्रेस पार्टी ने, उसकी वजह से आज पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उल जुलूल बयान दे रहे हैं, पूर्वी राजस्थान में बाढ़ आ रही है, अतिवृष्टि हो रही है और मुख्यमंत्री जी अलग दौरा कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री जी अलग दौरे पे जा रहे हैं, सामंजस्य नहीं है सरकार में, बांटने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ईआरसीपी के बारे में उल जुलूल बयान दिया जा रहा, हम लोग लगातार एमओयू सरकार से मांग रहे हैं, एमओयू नहीं दे रही है सरकार। राजधानी जयपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है जहां पर बिजली का पूरा ट्रांसफार्मर ही गायब हो गया। रामनगर कॉलोनी से बिजली का ट्रांसफार्मर गायब हुआ है। लंबे समय से डिमांड के बाद 31 जुलाई को ट्रांसफार्मर लगाया गया था। विद्युत विभाग में इंजीनियर्स ने ट्रांसफार्मर को बिना सूचना हटाया। ट्रांसफार्मर हटने से स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। बार बार ट्रिपिंग और साथ ही लोड शेडिंग के चलते कॉलोनी वासी परेशान थे। उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाया था। जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से सारे लोगों ने अब शिकायत की है। कल शाम को विद्युत विभाग के कर्मचारी आकर के उस ट्रांसफार्मर को उठा के लेके गए और लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा जिस तरह से ये कार्रवाई की गई वो घोर निंदनीय है। और बात हर घर तिरंगा अभियान की करते हैं। जैसलमेर से खबर है जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेताओं और जैसलमेर की जनता ने इस यात्रा में हिस्सा लिया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी, पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी सहित बीजेपी के नेता रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत भी किया गया। तीन तस्वीरें आपके सामने जहां पर देखिए जोश और खरोंच जैसलमेर की सड़कों पर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने सुबह यहां पर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इसके साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता इस यात्रा में शामिल हुए। जहां जहां से ये यात्रा निकली है वहां पर पुष्प वर्षा करके स्वागत यात्रा का किया गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा
अभियान की शुरुआत की गई है। तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, मंत्री हैं, वो अलग अलग शहर में जाकर तिरंगा यात्रा को रवाना कर रहे हैं। जैसलमेर के दो दिन के दौरे पर है मुख्यमंत्री। यहाँ पर आज दूसरे दिन यानी कि दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। इसके दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी वहां पर मौजूद रहे और यहां पर स्वागत सत्कार भी आप मंच पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री का किया गया। तमाम बीजेपी के विधायक भी यहां पर मौजूद रहे थे, उनकी मौजूदगी में तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ाया गया। बीजेपी के बड़े लीडर्स भी इस यात्रा का हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। ना सिर्फ लीडर्स यहां पर पहुंचे थे बल्कि खुद जैसलमेर की जो जनता थी उसने भी बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लिया है। और ये जोश और खरोश बताता है तमाम भारतवासियों का। जहां पर देखिए पूरा जैसलमेर जो शहर था वो तिरंगों से पट गया। ये सुबह की तस्वीरें हैं, ये बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें खुद मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे थे। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे, हरी झंडी दिखाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। जैसलमेर के विधायक आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का साथ में बैठकर उनका स्वागत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने चौमू में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में एनसीसी स्काउट के छात्र और बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। 151 फीट लंबा झंडा हाथों में उठाए तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान मदन राठौर ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर देश में राष्ट्र भावना की लहर है, साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अराजकता है। तो जयपुर ग्रामीण के चौमू की तस्वीरें हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को आप देख सकते हैं। तमाम बीजेपी जो लीडर्स हैं वो अध्यक्ष का स्वागत करते हुए यहां से तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया है राठौर की तरफ से। ये राष्ट्रीय चरित्र लोगों में है और जज्बा है देश के प्रति, इनके मन में भावना है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के कि चौमू में इतनी बड़ी संख्या में लोग और इस तिरंगा रैली में सम्मिलित हुए। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस प्रकार का आह्वान किया है कि देश के प्रत्येक नागरिक के मन में उसके अंतःकरण में राष्ट्रभक्ति पैदा करना चाहिए, राष्ट्रभक्ति सर्वव्यापी होनी चाहिए, इसके लिए हमने एक अभियान चलाया घर घर तिरंगा। और आपके यहाँ भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इस प्रकार कितनी कठिनाई से देश को आजादी मिली है ये सबको पता है। आज विभाजन बीबीसी का भी मनाई जाएगी, ये कार्यक्रम भी संगोष्ठी भी आयोजित होगी, उसमें भी अपनी बात सभी लोग रखेंगे। बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है उसकी कल्पना की जा सकती है कि वहाँ पर हम लोग अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ तक कि वहाँ का जो शासन जिसके हाथ में था उसको भी भाग करके दूसरे देश में शरण लेनी पड़ रही है। इससे ज्यादा अराजकता की स्थिति क्या हो सकती है, ये बहुत खतरनाक है। हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर इस प्रकार की जो स्थिति बनी है तो हम सबको उसके प्रति वहाँ पर संवेदना भी व्यक्त करते हैं। जो प्रताड़ित परिवार है हम उनको सुरक्षा देने का भी काम कर रहे हैं। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो बराबर चिंता कर रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी चिंता कर रहे हैं, अजीत डोभाल भी चिंता कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के जो कूटनीतिक व्यवस्था जो की जा सकती थी वो हम सब लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी नजर है कि वहाँ पर भी हमारे भाइयों को किस प्रकार से सुरक्षा दी जा सके। राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एसडीएम के ज्ञापन नहीं लेने आने से नाराज हो गए प्रदर्शनकारी। एसडीएम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गेट पर ज्ञापन लेने आने की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। विहिप के नारायण उपाध्यक्ष ने समझाइश की, तब गेट पर जाकर एसडीएम ने ज्ञापन लिया और प्रदर्शनकारी शांत हुए। तस्वीर आपको दिखा रहे, विरोध प्रदर्शन चल रहा था लेकिन हुआ ये कि एसडीएम ने जब ज्ञापन गेट पर आकर नहीं लिया तो ऐसे में प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और खुद यहां पर प्रदर्शन को तेज करते हुए लोगों ने नारेबाजी कर दी। ऐसे में विहिप के नारायण उपाध्यक्ष ने कमान संभाली और लोगों को समझाइश की, तब जाकर गेट पर एसडीएम आए और ज्ञापन लिया गया। मारो राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। We'll be right back.